नूरपुर के सुल्याली गांव में हिमाचल पथ परिवहन पठानकोट डिपो की रूट सुल्याली चंडीगढ़ बस पिछले 10 दिनों में 5 बार हांफ चुकी है, जिससे सुबह इस बस में सफर करने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत करने पर भी पथ परिवहन निगम पठानकोट डिपो पर कोई असर नहीं हो रहा है। लोगों ने विभाग और प्रशासन से अपील की है कि इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। अगर जल्द स्थायी हल नहीं निकाला गया और तो मजबूरन इलाकावासियों को धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। प्रतिनिधि उप प्रधान ग्राम पंचायत सुल्याली से हूं, और जैसा कि हाल ही में आज से लगभग 9 दिन पूर्व हिमाचल पथ परिवहन की बस जो है वो जो सुबह 5:15 पर यहां से रवाना होती है चंडीगढ़ के लिए, हमेशा लगातार 10 दिनों में वो 5 बार यात्रियों को बहुत परेशानी हुई। कभी वो स्टार्ट नहीं होती, स्टार्ट होती है तो दूर जाकर सवारी को शिफ्ट कर दिया जाता है, कहीं गेर वक्त ठीक नहीं है, अमूमन लोगों की शिकायत रही है। और हाल ही में 1:10:23 को बस जब यहाँ रात को पहुँची और सुबह वो स्टार्ट नहीं हो पाई और बस वो नहीं जा पाई, लोग यात्री बहुत परेशान, अपने अपने व्हीकल कहीं गाड़ियां करके अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मजबूरी थी कि समय पर पहुंचना है, किसी ने पीजीआई चंडीगढ़ जाना है, किसी ने धर्मशाला जाना है, किसी ने अमृतसर पहुंचना है, उसके लिए बहुत सारी परेशानी आई। और उस समय हमारे आपके द्वारा संजीव महाजन जी हमारे यहाँ के पत्रकार हैं, मौके पर पहुंचे, देखा, लोगों को परेशानी थी, लोगों में रोष था, और जब इन्होंने आरएम पठानकोट से ये संपर्क किया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बात का संज्ञान लेते हुए आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो बात बार बार हुई, और उसी दिन की बात करना चाहता हूँ कि जब बस स्टार्ट नहीं हो तो बार बार यहाँ उनके कर्मचारी आए, ड्राइवर आए, और बस स्टार्ट के यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर जाकर उस बस की ब्रेक फेल हो जाती है और बस पलट जाती है। नीचे एक मोटरसाइकिल आ जाता है जिसमें कोई भी सवार नहीं था, खड़ी मोटरसाइकिल पर गिरती है और वो मोटरसाइकिल चकनाचूर होता है। मेरा कहने का भाव ये है, जो बस पठानकोट से सुल्याली बस अड्डे तक पहुंचती है, अगर वो यहाँ तक पहुंचने में हाफ जाती है, खराब हो जाती है, तो 500 किलोमीटर का सफर करके चंडीगढ़ कैसे पहुँचेगी? ये लोगों में भारी रोष है। तो मैं विभाग से और सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस बात पे संज्ञान लिया जाए, क्योंकि ये बस बहुत से लोगों को इसका लाभ है जो समय पे नहीं मिल पा रहा, इसलिए अगर समय रहते ये ऐसा इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया जाता तो पूरा गांव, पूरा का पूरा क्षेत्र रोष व्याप्त है, और हम सड़क पर उतरेंगे और फिर बाद में थोड़ा वातावरण अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ, हमारी ये आपसे प्रार्थना है कि आगे से बस जो भी आए पठानकोट से चेक होके आए, मैकेनिक उसको चेक करें ताकि वो चंडीगढ़ तक हमारे यात्रियों को पहुंचा सके। धन्यवाद जी। हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि जैसे 1:10 को बात हुई थी, क्या उसके बाद बस सर्विस जो है वो नियमित चली है, जहाँ की उसके बीच भी बस जो है खराब होती हुई दिखी है? बहुत दिनों के बाद बीच में तो खराब होती है, उसका विभाग को भी पता होगा, बीच में 2-3 बार ऐसा हो चुका है। आज की बात कर रहा हूँ कि आज उसका समय था 5:15 पे और बस स्टार्ट नहीं हुई, और बस स्टार्ट ना होने के कारण बहुत से यात्री बहुत परेशान हुए थे। मेरी बात हुई है, अमृतसर जाना था, वहाँ अमृतसर से मुझे फोन आया कि ऐसे से बात हुई, हम अपनी गाड़ी लेके यहाँ से रवाना हुए हैं, और बहुत से लोग यात्री जो थे वो टैक्सी करके नूरपुर या जसूर पहुंचे हैं और अपने गंतव्य की ओर निकले हैं। तो आज की बात कर रहा हूं, आज बस फिर ना जाने कौन सी खराबी थी, ड्राइवर ने कैसे ठीक किया, मैंने अपने आंखों देखा कि वो बस 5:50 से यहां रवाना हुई है। क्या वो बस आज चंडीगढ़ गई होगी? ये तो कहना मुश्किल है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बस शिप की होगी या फिर उसको कैसे पहुंचाया गया होगा। यहाँ तक मुझे ज्ञात है कि वो स्टार्ट नहीं हुई, उसका उसके बाद क्या उन्होंने प्रेशर डाउन किया, उसके बाद कैसे स्टार्ट की मुझे नहीं मालूम, मैं इस विषय में नहीं जानता, लेकिन आज की बात कर रहा हूँ कि आज भी वो समस्या लोगों को देखने में आई।
संजीव महाजन की कांगड़ा ब्यूरो से हिमाचल प्लस न्यूज के लिए रिपोर्ट।